हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अंशिका मानवी। आज हम बनाने जा रहे हैं चाट। तो आइए चाट की रेसिपी देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाट में मसाला डालने के लिए हम लोग सबसे पहले मिर्च को भून लेंगे। इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़ा क्रंची ना हो जाए। देखिए ये भून चुकी है, अब इसे निकाल लेंगे। अब जीरा और ये गोलकी को भून लेंगे थोड़ा। अब इसे हम लोग पीस लेंगे। अब चाट को और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लेंगे बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई मिर्च और साथ में सेव। उसके बाद हमें चाहिए होगा दही और ये मसाले जो मैंने भुने थे, मिर्च है, जीरा पाउडर और गोलकी पाउडर। उसके बाद हमें चाहिए होगा इमली का रस और ये उबली हुई काबली और एक चाट मसाला और ये गूंदा हुआ मैदा। साथ में हमें चाहिए होगा गूंदा हुआ मैदा। तो चलिए अब इस मैदे का अब हम लोग पापड़ी बनाते हैं। पापड़ी छानने के लिए सबसे पहले गर्म तेल लेंगे। इस गूंदे हुए मैदे का छोटा छोटा लोई बना लेंगे पूरी के साइज का। उस लोई को पतला बेल लेंगे। इसे बहुत ही पतला बेलेंगे ताकि पापड़ी है जो अच्छे से बने। शेप कैसा भी है उससे कोई मतलब नहीं है। एक कांटा वाला चम्मच लेंगे, उससे इस पापड़ी में हल्का हल्का बेल कर लेंगे ताकि ये पापड़ी फूले ना और इससे क्रंची भी बनेगी। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो आइए अब इसे छान लेते हैं। तेल को पूरा गर्म होने दें, इससे आपकी पापड़ी क्रंची भी बनेगी और अच्छी भी। देखिए पापड़ी बन के तैयार हो चुकी है। मैंने इसमें कांटे वाले चम्मच से छेद किया था ताकि ये क्रंची बने और फूले भी ना। और ये देखिए क्रंची बनी है, आप भी ऐसा ज़रूर ट्राई करें। तो आइए अब चाट बनाते हैं। चाट बनाने के लिए इस पापड़ी को छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इसमें काबली डालेंगे, इसमें अब डालेंगे चाट मसाला, इसमें अब सारे मसाले डाल देंगे जो मैंने भुने थे और अब बारीक कटी हुई प्याज और मिर्च, दही और अब इमली का रस और अब काला नमक और अब डालेंगे सेव। इसमें आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो और ये चाट बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।